जल गया सल्फर। साथियों, आपने धातुओं व अधातुओं के विषय में जरूर सुना होगा। क्या किसी अधातु का नाम आपके दिमाग में आ रहा है? आइए आज इस गीत के माध्यम से जानें कि सल्फर, जो कि एक अधातु है, उसे वायु में जलाने पर क्या होता है और जलने पर बने पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है। करके देखो, हाथ में पकड़ो चम्मच। चम्मच? हाँ, उद्धरण चम्मच। डालो उसमें सल्फर पाउडर, जला के देखो सल्फर। क्या कुछ बदला। धुआं उठा जी, धुआं उठा, जोर जोर से धुआं उठा। सल्फर के जलने से देखो कितना जोर का धुआं उठा। मत जाने दो, धुएं को पकड़ो, मत जाने दो। चम्मच को लेकर बर्तन में, धुएं को इसमें आ जाने दो। ढक दो जल्दी, धुएं को पकड़ो, ढक दो जल्दी। भर गया देखो, धुएं से भर। देखो, धुआं तो इसमें घुल गया। देखो, घुल के बना क्या। आओ चाचे, लिटमस लेकर डाल दिया है। लिटमस पत्रों को डाल दिया है। लाल हुआ है, नीला लिटमस लाल हुआ है। बना अम्ल बर्तन में, देखो सल्फर जल कर जब घुलता है। करके देखो, समझ गए हम क्या होता है। करके देखो, समझ गए हम क्या होता है। साथियों, इस गीत के माध्यम से आपने जाना कि सल्फर, जो कि अधातु है, किस प्रकार हवा में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। आप भी करके देख सकते हैं, पर ध्यान रहे, सल्फर को हाथ से ना छुएं, यह त्वचा के लिए हानिकारक है। साथ ही धुएं को कांच के बर्तन में इकट्ठा करें ताकि आप उसे दूर से देख सकें। और ये भी याद रखें कि धुआं श्वास के साथ अंदर ना जाने पाए। साथियों, आपके जहन में ये प्रश्न अवश्य आ रहा होगा कि क्या सभी अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं? पता लगाने की कोशिश कीजिए। अभी आप सुन रहे थे ये गीत। विषय संयोजन, वाचन एवं आलेख डॉक्टर रुचि वर्मा। संगीत हरभजन सिंह। गायन स्वर अनुजा विसारिया, विनीत और बच्चे। ध्वन्यांकन बटीलैंग लिंगडो। निर्माण सहयोग मयंक थपलियाल। निर्माण एवं निर्देशन वंदना अरिमर्दन। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रस्तुत किया गया।